कपूर विल ऑलवेज रूल, अभी भी हीरो हीरो ही रूल करते हैं, कपूर विल ऑलवेज रूल। करीना ने अपनी अपकमिंग फिल्म हेरोइन के लॉन्च पर किया ऐलान कि कपूर फिल्म इंडस्ट्री पर हमेशा करते रहेंगे रूल। लेकिन हेरोइन के फर्स्ट लुक लॉन्च पर उनकी फिल्म के हीरो ने ही काट डाली करीना की बात। इंडस्ट्री अभी भी हीरो ही रूल करते हैं। वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि जब फिल्म का टाइटल हेरोइन है तो फिर हीरो का रोल इसमें छोटा ही होगा, तो हम आपको बता दें कि ऐसे में अर्जुन रामपाल इस बात को एक्सेप्ट करने के जरा भी मूड में नहीं है। ऐसी बात नहीं है, इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं बदल रही है, इंडस्ट्री अभी भी हीरो ही रूल करते हैं। आप ये गलत फहमी मत रहिएगा, इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री स्टिल। जी हाँ, मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री का ये राग गाया है अर्जुन रामपाल ने, वो भी ठीक उसी वक्त जब लंबे इंतजार के बाद करीना एस मधुर हेरोइन अपनी पहली झलक दिखाने के लिए मीडिया के सामने आई थी। हुआ भी वही जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, इस पूरे इवेंट में सिर्फ करीना ही छाई रही। ऐसे में लगता है कि फिल्म के इकलौते बड़े और नोन मेल एक्टर अर्जुन रामपाल हो गए थोड़े से इनसिक्योर, और शायद इसी ऑकवर्ड सिचुएशन की वजह से उनके मुंह से निकल गई वो सच्चाई जिसे इंडस्ट्री के बड़े से बड़े दिग्गज स्टार भी एक्सेप्ट करने से कतराते हैं। इट्स अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री स्टिल। ओके, एक चांस मिलता है कि आप कुछ अलग किस्म की फिल्में करें, यू नो, उसे भी सपोर्ट करें, और आई लाइक टू डू दैट। अगर आपने मेरे करियर में देखा है, मैंने काफ़ी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स को सपोर्ट किया है, क्योंकि आई रियली थिंक दैट दे सपोर्ट अस थ्रू द फिल्म सो मच थ्रू आवर करियर्स एज वेल। इट्स इम्पोर्टेंट टू समटाइम्स गो एंड सपोर्ट देम एज वेल। अर्जुन की बात से कितने बॉलीवुड स्टार सहमत होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लिहाजा जहां करीना के स्टारडम से अर्जुन रामपाल की लड़खड़ाई जबान, वहीं हेरोइन के इस फर्स्ट लुक लॉन्च पर ऐसे कई मौके आए जब स्टेज पर मौजूद बाकी बॉलीवुड सेलेब्स की भी बोलती बंद हो गई, क्योंकि करीना की हेरोइन को टफ कॉम्पिटिशन देने यहाँ पहुँचा विद्या बालन का साया। मुझे लगा था कि इससे ज्यादा डर्टी कोई बन नहीं सकता, वो लोग हीरोइन बनाएंगे, डर्टी पिक्चर तो बना नहीं पाएंगे। फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जो खान है उनके नाम के पीछे आप बालम लगा दें, कपूर विल ऑलवेज रूल। अब जब इस इवेंट पर करीना ने विद्या की तरह बॉलीवुड को रूल करने का चैलेंज कर डाला था, तो भला ऐसे कैसे होता कि उनकी फिल्म हेरोइन का विद्या की मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म द डर्टी पिक्चर से कंपैरिजन ना होता। माय क्वेश्चन इज टू सिद्धार्थ राव कपूर, आई एम कुणाल फ्रॉम Zoom। सिद्धार्थ, माय क्वेश्चन इज, हीरोइन की कहानी पर एक ऐसी फिल्म बनी थी डर्टी पिक्चर, और अब बनी है हीरोइन, तो क्या ये विद्या की डर्टी पिक्चर से अच्छी है? आई थिंक आई शुड हैव मधुर आंसर दैट। मधुर, सिद्धार्थ से जवाब चाहिए। लेकिन शायद विद्या के बेहद करीबी सिद्धार्थ रॉय कपूर को धर्म संकट से बचाने के लिए मधुर ने ही जवाब देने का बीड़ा उठा लिया। डर्टी पिक्चर की हम बात करें, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, मुझे खुद को पसंद आई थी वो, लेकिन 80s दिखाती है, हम दिखाते 2012, तो काफी अंतर है इसमें। बट सिद्धार्थ स्टिल थिंक्स डर्टी पिक्चर वाज बेटर। सिद्धार्थ प्लीज आंसर इट नाउ, यू आर सेइंग इट नॉट मी। पर सिद्धार्थ ने इस पूरे इश्यू को लेकर फेंस पर रहने में ही भलाई समझी। वेल, सिद्धार्थ ही क्यों, स्टेज पर मौजूद कोई भी सेलिब्रिटी हेरोइन को प्रोड्यूस करने वाले बैनर की ही द डर्टी पिक्चर को चैलेंज नहीं कर पाया, और खुद करीना भी ऐसे सवालों पर मीडिया से बचती नजर आईं। हेरोइन इज नथिंग, इट्स नॉट अ डर्टी फिल्म, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट टू द डर्टी पिक्चर, सो इट्स सो अनफेयर टू कांस्टेंटली बी हैविंग अ कंपैरिजन टू Dirty Picture is a biopic based in the 80s. This is a modern day girl that was a lifestyle of an item girl. This is a superstar, a story of a superstar. So it's extremely unfair, and beside of which I've taken on this film because of the script, not to really compete with anyone's. Compete karne nahi to kya shaadi karne industry mein aayi hain Kareena? Jokes aside, par ye sawal bhi unka peecha karte karte pahunch gaya yahan. करीना, अभी आपने कहा कि रोज सुबह हम बहुत कॉन्फिडेंस से हमको आर्टिकल्स पेपर में छापते हैं, न्यूज़ देते हैं, तो आज भी एक सुबह एक आर्टिकल आया था कि आपकी शादी पोस्टपोन हो गई है, तो उस कॉन्फिडेंस को ध्यान में रखते हुए कितनी रिपोर्ट सही है या गलत है? आप लोगों के पास क्वेश्चन भी है, जवाब है, सब कुछ है, जवाब आपके पास है, क्योंकि आपकी शादी की बात हो रही है, आप लोग छापते रहते हो रोज, तो वही मैं पूछ रही हूँ, वो सही है कि गलत है रिपोर्ट, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। But I think that we should wait
No, we should just wait for Saif to give an official announcement on that. And right now we're focusing completely on Heroine. शादी का सवाल ही नहीं, करीना की हलकट जवानी पर ऐसे ऐसे सवाल हुए कि तंग आकर उन्होंने खुद को सबसे अव्वल बता दिया। I'm not getting into anybody's shoes because I'm very comfortable in my own. Yeah, and nobody fits into my size. So I'm not going anywhere. Well, size zero से लेकर अब तक बेबो ने अपना जो भी स्टाइल बॉलीवुड को दिया है, सब ने उसे हाथों हाथ लिया है। We hope इस बार भी जब बेबो हेरोइन से अपने अब तक के सबसे हॉट अवतार में आने का दावा कर रही हैं, तो ये सही ही होगा। Well, I'd like my producer Siddharth Roy Kapoor to answer that. It's definitely our hottest film ever. I'm not sure about dirtiest. और इस फिल्म की हॉटनेस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो अर्जुन रामपाल फिल्म में अपने रोल के लिए आर्गुमेंट को डिबेट बनाने पर उतारू हो गए थे, वहीं अर्जुन रामपाल फिल्म के इंटिमेट सीन्स पर आहें भरते नजर आए। Don't remind me of such moments, really. I mean, you know, there were very wonderful moments. They will stay with me for the rest of my life. And every time I'm in a bad mood, I shut my eyes and I have a big smile on my face. So thank you very much, Madhur, Kareena. Madhur और करीना को थैंक यू कहने से आप ये मत समझ लीजिएगा कि फिल्म को लेकर शुरू हुआ बैटल ऑफ द सेक्सेस खत्म हो गया है। कपूर विल ऑलवेज रूल। अभी भी हीरो ही रूल करते हैं। और चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। Hi, this is Vivan. Subscribe to Zoom TV channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/zoomtv.